अस्सलाम वालेकुम यू आर, कैसे आई होप कि और आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से खैरियत से हूँ। तो मैं कुछ दिनों से बहुत ही परेशान हूँ। कम से कम मेरा 1 से 1.25 लाख तक का जो है ना लॉस हो गया है। लॉस ऐसे हो गया है कि जैसे मैं आप लोगों को वीडियोस बना के बताता था कि मेरी बकरियाँ हैं, मैं उनका चारा वगैरह काटने की भी वीडियोस बनाता था, तो वो मेरी बकरियाँ उनमें से जो है ना 3 बकरियाँ मेरी मर चुकी हैं। कम अज़ कम 1 लाख से ज़्यादा का मेरा नुकसान हो गया है इन बारिशों की वजह से। तो बहुत ही परेशानी है। एक तो बच्चे का दूध वगैरह खरीदना वो भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया अब, क्योंकि 600-700 रुपए का एक डब्बा है दूध का। सीरीलेक वगैरह वो भी अखराजात बहुत है, और घर का सर्कल चलाना वो बिल्कुल मेरे लिए अब जो है ना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं ऐसे नहीं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता था कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो। एक मेरा यूट्यूबर दोस्त है, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है वीडियो के नीचे कि मैं छोटे यूट्यूबर को प्रमोट करूँगा, मगर क्या है कि उसने व्हाट्सएप पे हम जैसे लोगों को ब्लॉक किया हुआ है। मैसेज हम करते हैं, हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं देता। मैंने जब जाके चेक किया तो वो उसने हमें ब्लॉक किया हुआ है। और बात ये नहीं है कि किसी को प्रमोट करना है या नहीं करना, कम से कम इंसान को ऐसा काम करना चाहिए, किसी को झांसा नहीं देना चाहिए। वो हर इंसान को कह रहा है, हर वीडियोस में बोलता है कि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है आप लोगों को प्रमोट करने का। हाँ, कमेंट भी करके जरिए तो लोगों को प्रमोट कर रहा है, मगर जो व्हाट्सएप नंबर दिया है ना, मैंने बहुत सारे मैसेज दिए, उसने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। मैंने नीचे जाके चेक किया व्हाट्सएप में, उसने ब्लॉक किया हुआ है हमें। तो यार ऐसा नहीं करना चाहिए, सगे और सुतेले वाला बिहेव नहीं रखना चाहिए लोगों के साथ। हाँ, अगर हेल्प करनी है तो सबकी एक तरह करो, तो जिस तरह कमेंट पिकर के जरिए सबको करते हो, व्हाट्सएप का किसी को झांसा भी ना दो, व्हाट्सएप का किसी को बोलो भी नहीं कि अगर आप लोगों ने मुझसे बात करनी है तो फलां वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से व्हाट्सएप नंबर उठाओ और उस वीडियो को फुल वॉच करो और ये होगा वो होगा, मैं आप लोगों को प्रमोट करूँगा। अच्छी बात है आप लोगों की हेल्प करो, मगर इसका मतलब ये नहीं है लोगों की दिल आज़ारी करो। इसी तरह लोगों की दिल आज़ारी होती है जब वहाँ से जाके उस वीडियो को फुल वॉच करते हैं लोग, फिर वहाँ से व्हाट्सएप नंबर उठाते हैं, फिर आपको मैसेज करते हैं, आपका आगे से रिप्लाई नहीं आता या ब्लॉक कर दिया जाता है वो बंदा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक काम करो, उसको कॉमेंट पिकर के जरिए प्रमोट करो लोगों को। मैं आप लोगों को अपनी परेशानी यही बता रहा था कि जैसा कि मेरी 3 बकरियां जो है ना मर चुकी हैं, कम से कम 1 लाख से 1 लाख से ज़्यादा मेरा लॉस हो चुका है। मैं इसी तरह नहीं 2-2.5 साल हो गए स्ट्रगल कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, मेरा चैनल ग्रो नहीं कर पा रहा। मैं किसी बड़े यूट्यूबर को ऐसे नहीं बोलता कि यार प्रमोट कर दो, किसी छोटे यूट्यूबर को, किसी गरीब का भला हो जाएगा, मेरे जैसे गरीब का भला हो जाएगा। व्यूअर, एक मरतबा फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरी सपोर्ट करें, क्योंकि अभी जो है ना मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान इस वजह से हूँ कि कम अज़ कम एक गरीब बंदे का जब 1 से 1.25 लाख का लॉस हो जाए, उसका नुकसान हो जाए, और उसका जो नेट का पैकेज है 2-2.5 साल की यूट्यूब से मेहनत है, स्ट्रगल है, वो उसमें भी उसको कामयाबी ना मिले तो सोचो वो कितना परेशान होता है और कितना डीमोटिवेट हो जाता है। मेरे साथ भी वही हो रहा है, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं कभी अपने छोटे बच्चे की वीडियो बनाऊँगा जो बिल्कुल 6 महीने का है, 6 मंथ का है, उसका दूध 600 रुपए का डब्बा आता है और सीरीलेक वगैरह उसका, तो मैं वो स्टोरी आप लोगों को बताऊँगा कि मेरे साथ किस तरह ये जो है ना टाइम गुजारा है। तो प्लीज़ आप लोग हेल्प कर दो मुझ जैसे गरीब इंसान की, और अगर आप लोग भला करोगे, मेरे साथ अच्छाई करोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी आप लोगों के साथ अच्छाई करेगा, क्योंकि बारिशों ने तबाह करके रख दिया है, जो जानवर थे वो भी मर गए हैं, घर की छतें टूट गई हैं, बहुत मुश्किल वक्त गुजर रहा है। यू आर प्लीज़ आप लोगों से एक मिनट बाद फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो यार, आप लोगों की मेहरबानी होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करो, क्योंकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बार बार पहुँचे। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।